अच्छा लगता है जब हम शहर से कहीं दूर जा रहे होते हैं, मगर ये नहीं पता होता है कितने दूर जा रहे हैं। इस बार मैं जा रहा हूँ सिर्फ एक दिन के सफर में, देखते हैं मेरे एक्सपीरियंस क्या होता है और सब कुछ मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे रहने में मुझे कितना खर्च पड़ा है और क्या क्या एक्सपीरियंस मिला हुआ है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इन लोगों का चेक इन टाइम है सुबह के 9 बजे, तो यहाँ पे चेक इन करने से पहले ही हम लोगों के लिए रूम रेडी था एकदम साफ सुथरा करके। और हम लोगों का यहाँ पे जो नॉर्मल रूम मैंने बुक किया था, इसका रूम नंबर था 103। तो रूम में जब तक हम लोग एंटर किए तब तो ये रूम काफ़ी सही लगा मुझे, मगर बाद में हम सोचे कि अगर हम यहाँ पे आ चुके हैं तो क्यों ना इन लोगों का जो ट्री हाउस है उसी का एक्सपीरियंस लिया जाए। हाँ, मगर ये बुकिंग आपको तब मिलेगा जब ये अवेलेबल होगा। तो हम लोगों को मतलब ये रूम मिल गया था क्योंकि इस टाइम पे ऐसा कोई गेस्ट नहीं था। अगर आप लोग जब ऐसे बुक करेंगे तो पहले से कॉल करके बुक कर लीजिएगा। देखते हैं इन लोगों का ट्री हाउस कैसा है। तो इन लोगों के पास 3 ट्री हाउस है, उसमें से मुझे ये वाला ट्री हाउस मिला जो खाली था। और ये ट्री हाउस भी काफ़ी अच्छा था, और जैसे कि आप लोगों के आंखों के सामने इसका सैनिटाइजेशन भी हो गया। और यहाँ पे एक टीवी है, मिरर है, कुछ जैसे कि आपका एक डेस्क होगा, एसी भी है। और ये रूम भी काफ़ी सही है, ठीक ठाक भी है। इन लोगों का वॉशरूम जो है ये भी काफ़ी क्लीन है, पिछले बार जो रूम था उसमें भी क्लीन था, ये भी काफ़ी क्लीन है। सो फाइनली आ चुका है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज के ब्रेकफास्ट के मेनू में क्या है। हाय, अभी तक तो ये जगह काफ़ी पसंद आया। अभी उन लोगों का जो स्नैक्स है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये स्नैक्स भी आ चुका है, ये स्नैक्स का टाइम है उन लोगों का 12 बजे से। और यहाँ पे हम लोगों को दिया है फिश फिंगर और फ्रेंच फ्राई। स्नैक्स ख़त्म करके हम लोग सीधा नीचे पहुँचे, क्योंकि इन लोगों का जो पूल है काफ़ी खूबसूरत है, अच्छे से मेंटेन भी किया जाता है और हर रोज़ इसे क्लीन किया जाता है। के बाद हम लोग तैयार होके चले लंच की तरफ। लंच हो रहा है इस जगह पर जो इन लोगों का एक खास अट्रैक्शन है, और देखते हैं आज के लंच में क्या है।
और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी जितने भी डिश हम लोग प्रेजेंट करेंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि और भी काफ़ी सारे मील है यहाँ पे। लंच खत्म करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग निकले इन लोगों का और एक प्रॉपर्टी की तरफ, जो एक पिकनिक स्पॉट है इन लोगों का, और अगर आप चाहे तो इसको कभी भी विजिट कर सकते हैं। ये लोग आपको इन लोगों का जो पर्सनल गोल्फ कार है इसमें आपको ले आ सकता है, या फिर आप खुद से भी आ सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं है रिसोर्ट से ये जगह, तो यहाँ पे आप अगर चाहे तो एक ग्रुप पार्टी भी कर सकते हैं। फिर शाम के टाइम हम लोगों को स्नैक्स भी आ गया, तो मेरा भी पहले बुकिंग था यहाँ पे वो नॉर्मल वाला रूम, उसके बाद हमने यहाँ पे आके चेंज कर लिया, तो क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल था इसीलिए हो गया, नहीं तो यहाँ पे बुकिंग काफ़ी हाई रहता है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग अगर आते हैं तो पहले से बुकिंग करके आने के लिए। इसका जो बुकिंग का लिंक है और इस रिसोर्ट का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप कॉल करके बुक कर सकते हैं, मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लीजिएगा। फिर हम लोगों के लिए डिनर आया गया 10 बजे करीब, और इन लोगों का डिनर का मतलब जो भी मेनू है वो आप खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, या फिर जो है वो काफ़ी सही है। अभी बस डिनर ख़त्म हुआ हम लोगों का, और क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको ये प्लेस। और अभी तो आज का दिन ख़त्म हो गया, कल मेरा चेकआउट है, तो अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने, और कल सुबह मिलते हैं। अगर कोई और जगह देखने को मिले या फिर कोई और पॉइंट मिले तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो फाइनली इस जगह का ट्रिप मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, कुछ देर बाद हम मैं चेकआउट करूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा कितना अपनी है GST वगैरह पर कितना होता है। अगर ये जो जगह है ना, अगर आप वीकेंड में आ रहे हो ट्रिप करने या फिर एक दिन के लिए भी आ रहे हो जैसे कि मैं आ रहा, तो भी आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप कोलकाता से हो तो कोलकाता के साइड से आप कहीं भी आ सकते हो, या फिर आप कोलकाता में बाहर से आते हो तो भी आप यहाँ पे आके एक दिन का स्टे तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, स्टाफ सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, खाने के बारे में तो आप लोगों को बता भी दिया है। और फिलहाल तो अभी ये नज़ारा आप देख सकते हैं लोकेशन जो मॉर्निंग के टाइम काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। गुड मॉर्निंग दादा, ये दादा भी काफ़ी सपोर्टिव है हर टाइम में, मतलब जितने टाइम जो भी चाहिए होगा, तीन लोग हैं, तीन जन एकदम ऑल टाइम आपके सर्विस में हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सर्विस है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, और मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इन लोगों का जो बिहेवियर और जो सर्विस है बेहतरीन है।